नमस्कार, फटाफट बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा रेड्डी। चलिए शुरू करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। भारत का चीन को एक और बड़ा झटका। सरकार ने चीन के 118 ऐप्स पर लगाया प्रतिबंध। अब नहीं खेले जाएंगे पबजी और लूडो। इससे पहले भी लगाया था 59 ऐप्स पर प्रतिबंध। कोरोना के चलते संसद के मानसून सत्र में नहीं होगा प्रश्नकाल, अलग अलग समय होगी लोकसभा और राज्यसभा की बैठक। कांग्रेस का आरोप, लोकतंत्र की आवाज को दबाने के लिए महामारी को बनाया गया बहाना। देश में 24 घंटे में सामने आए 78,000 नए मामले, 38 लाख के करीब पहुंचा पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा। 24 घंटे में 1,045 लोगों की मौत, कुछ मौतों का आंकड़ा 67,000 के पार। मध्य प्रदेश में कोरोना का बढ़ता कहर, पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक महेंद्र हाडिया भी कोरोना पॉजिटिव। संपर्क में आए लोगों से टेस्ट करवाने की अपील। छत्तीसगढ़ में अब तक 4 विधायक कोरोना पॉजिटिव। राजनांदगांव में नगर निगम नेता प्रतिपक्ष की मौत। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद दिल्ली एम्स की ओपीडी सेवा 14 दिन के लिए बंद, इमरजेंसी सेवा रहेगी चालू। दिल्ली में 7 सितंबर से मेट्रो चलाने की एलजी ने दी मंजूरी। सुशांत सिंह केस में ड्रग्स कनेक्शन पर पड़ताल हुई तेज, एनसीबी से पूछताछ में बड़ा खुलासा। रिया के भाई शोविक का ड्रग तस्करों से संपर्क, पूछताछ की तैयारी में एनसीबी। सुशांत केस में सीबीआई की जारी है पूछताछ। बुधवार को रिया के माता पिता और दोस्त सिद्धार्थ पिठानी से की पूछताछ। वकील विकास सिंह से सुशांत की बहनों ने की मुलाकात। एलएसी पर फिर चीनी सेना ने की घुसपैठ की कोशिश, भारतीय सैनिकों ने पीएएल को फिर खदेड़ा। काला टॉप पर चीन के लगाए गए खुफिया उपकरणों को सेना ने किया नष्ट, चुशुल में बातचीत भी जारी। चीन से तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस के दौरे पर, शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में होंगे शामिल, चीन भी होगा बैठक में शामिल। चीन से तनाव के बीच नेपाल ने फिर दिखाई भारत को आंख, लिपुलेख में तैनात की सेना की बटालियन, भारतीय सेना की गतिविधियों पर नजर रखने का आदेश। अफसरों और कर्मचारियों के स्किल बढ़ाने के लिए आई कर्मयोगी योजना, मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी, बोले प्रकाश जावड़ेकर, दुनिया की सबसे बड़ी मानव संसाधन स्कीम होगी। राहुल गांधी ने फिर साधा मोदी सरकार पर निशाना, कहा देश मोदी की बनाई हुई आपदाओं में फंसा। अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, कोरोना और सीमा पर घुसपैठ के लिए केंद्र सरकार की नीतियों को ठहराया जिम्मेदार। बिहार में चुनाव से पहले महागठबंधन को लगा बड़ा झटका, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी एनडीए में होंगे शामिल, राज्यसभा में भेजे जाने की अटकलें। सर्वसम्मति से अयोध्या में राम मंदिर का नक्शा पास, 5 अगस्त को पीएम मोदी ने किया राम मंदिर के लिए भूमि पूजन, लगभग 3 साल में बनकर तैयार होगा भव्य राम मंदिर। मध्य प्रदेश के बालाघाट और मंडला में लॉकडाउन के दौरान गरीबों को बांटा गया जानवर को खिलाने वाला चावल, केंद्र की रिपोर्ट में खुलासा। सरकार पर हमलावर हुई कांग्रेस, खाद्य मंत्री का मांगा इस्तीफा। मध्य प्रदेश में बाढ़ प्रभावित इलाकों में जारी है सीएम शिवराज का दौरा, सीहोर के शाहगंज में किसानों से बोले सीएम शिवराज, संकट में किसानों के साथ सरकार। इंदौर में शिवसेना के पूर्व प्रदेश प्रमुख की गोली मारकर हत्या, देर रात घर में घुसे बदमाशों ने पहले पत्नी और बेटे को पीटा फिर मार दी गोली। उपचुनाव से पहले मध्य प्रदेश में भाजपा संगठन की नई टीम, 5 प्रदेश महामंत्रियों के नामों की घोषणा, इंदौर की कविता पाटीदार बनी प्रदेश की पहली महिला महामंत्री। विद्या बालन ने कहा रिया चक्रवर्ती का तिरस्कार देखकर टूट जाता है मेरा दिल, क्या किसी इंसान को दोषी साबित होने तक निर्दोष नहीं माना जाना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत की दुखद मौत मीडिया सर्कस बनकर रह गई। सलमान खान के शो बिग बॉस में नजर आ सकती है राधे मां, पहले भी कई बार यह शो हो चुका है ऑफर लेकिन हर बार उन्होंने किया मना। बिग बॉस सीजन 14 इस महीने के अंत तक शुरू होने की उम्मीद। फटाफट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की अन्य बड़ी खबरों को जानने के लिए आप सबसे पहले विजिट कीजिए webdunia.com पर, और इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।